जय हिंद प्यारे दोस्तों। दसवीं पास, बारहवीं पास सबके लिए वैकेंसी आउट हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। बेसिकली आपकी पोस्टिंग जो होगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत होगी, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत है। दसवीं पास की जो पोस्ट है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट 4, और जो ट्वेल्थ पास की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट 1 की वैकेंसी निकली है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, सारी बातें अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। होगा सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा उसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और अप्लाई करने के लिए ₹0 चार्जेस लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और सबके साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपकी जो पोस्टिंग होगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्ट की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट 4 की वैकेंसी निकली है, जो कि 10th पास मांगा गया है। 10th पास हो या इक्विवेलेंट हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 204 पोस्ट निकली हैं। एज की बात करो ज्यादा आपकी जो है 25 साल। सैलरी की बात करो तो ₹15,800 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अगली पोस्ट की बात करते हैं, 12th पास मांगा गया एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट 1 की वैकेंसी निकली है, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए। एज की बात करो ज्यादा आपकी जो है 25 साल। दो पोस्ट निकली है, सैलरी मिलेगी ₹16,000 पर मंथ के हिसाब से। देखिए जो दो पोस्ट निकली है इसको अप्लाई करने का प्रोसेस समझ ले। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको फिलअप करना, उसको आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ सेंड करेंगे इस मेल आईडी पे दोस्तों। लास्ट डेट की बात करते हो 19 मई 2021 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको यह मेल करना है। ध्यान रहे दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ आपको मेल करना है। जब आप मेल करेंगे उसके सब्जेक्ट में लिख देंगे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट 4 अगर आप 10th पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ब्रैकेट में 1 अगर आप 12th पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों ये चीज अच्छे से समझ लेना, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना आपको, और आपको मेल सेंड कर देनी है। अब ये बात करते हैं, पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, काफी बच्चों के ये सवाल आते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है प्रॉपर एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है पक्की सरकारी नौकरी नहीं है। इस वजह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका इंटरव्यू भी चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे कंडक्ट होता है, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।